और सभी यही चाहते हैं जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकाले। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद दो सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है, इसीलिए तो लोकतंत्र इसी को तो लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है। बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जैसी फाइनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही है। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभवों और तर्कों में ताकत रहती है, लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सिटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सिटिंग्स हुई। हाउस में सिटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं, आप इसे अच्छी तरह समझें कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कहीं जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है। ये हमारी संसद की प्रणाली की सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट और निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहां इन पर विस्तार से चर्चा हो
राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकेंड चैम्बर की जरूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप के सेकेंड चैम्बर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, मजा वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहां पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और ये सदन बहुत सुरली चलेगा, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्रायन। Just now I have informed the secretary. First of all, on behalf of our party, All India Trinamool Congress, I extend warmest felicitations to your honor for being elected